देश में लॉकडाउन के कारण किसानों की सब्जियों की लागत अब बहुत कम हो गई है। सब्जी मंडी में खरीदने वाला कोई नहीं है। पहले कई क्विंटल सब्जी की खपत होती थी, परंतु आजकल किलो में ही खपत हो रही है। ये तस्वीरें रूह को कंपा देने वाली हैं। ये तस्वीरें देश की वो कड़वी सच्चाई है जिससे मुंह फेरा नहीं जा सकता। एक किसान जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जब उसकी परेशानी का समाधान ना हो तो फिर किसान क्या करे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क किनारे भारी मात्रा में सब्जियों के ढेर लगे पड़े हैं। लॉकडाउन के चलते किसानों की खेतों में सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। किसान सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, ताकि लाखों रुपए की लागत से तैयार फसल का नुकसान ना हो। बिल्कुल, किसानों को मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फसल भी कटाई पे आ रही है। तो चाहे फसल कटाई को लेकर के हो, सब्जियां फलों की बात हो, हमने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को इस चीज़ के लिए ऑथराइज़ किया है कि जो भी किसान या तो अपनी फसल काटने के लिए जाना चाहता हो, या फसल बेचने के लिए सब्जियाँ और फल या फूल बेचने के लिए जाना चाहता हो, वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के दफ्तर से अपना उनको एप्लीकेशन दे सकता है। ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से पास बनवा सकता है। उस पास को दिखाने पे कहीं पे भी उसको रोका नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस तरीके से किसी का भी फसल या फल फूल कोई भी खराब बेकार ना जाए। इवन जो फसल गेहूं की है, इसके प्रोक्योरमेंट के लिए भी व्यापक प्रबंध किए हैं। हम हर एक किसान का दाना दाना खरीदेंगे। काफ़ी घाटा हो रहा है जी, अब क्या करें, मजबूरी है, अपनी घरों में रहो, घरों में बैठो, ये आदेश हैं जो हैं, पर इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़वाने के लिए लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। क्या करें, अब मजबूरी है। कितने एकड़ में थी आपकी? 2 एकड़ में पेप्सिकम है, 1 एकड़ में ककुम्बर है, बाकी जो ठेके पे भी ले रखे हैं उनमें भी अभी तैयारी थी लगाने की, पर वही है लॉकडाउन के चलते हुए, क्योंकि मन नहीं कर रहा, मार्केट में उठाव नहीं है। इनको खराब को क्या कर रहे हैं आप? खराब को बाहर रोड पे डाल रहे हैं ये अपने, इसको गाय वो अपना भेड़ बकरियां खा जाती हैं, कुकुम्बर को गौशाला में डाल आते हैं। अच्छा। क्योंकि पूरा पैकेट जो 20 पैकेट गए मंडी में तो 5 ही बिकते हैं। खीरे की लागत नहीं है जी, होटल बंद है, होटलों में इनकी डिमांड थी, होटल बंद है। शिमला मिर्च भी डिमांड नहीं है जी, सभी खराब हो रही है। क्या मांगते हैं? यही है जी, अब सरकार से भाई थोड़ी हमारी तरफ भी ध्यान करे इसके बारे में कुछ। क्या नाम आपका? संदीप कुमार, गांव मोहिदीनपुर।